खाड़ी देशों की युवा पीढ़ी भी मानसिक शांति के लिए इस्कॉन की तरफ आकर्षित हो रही। दुबई, अरब, बहरीन, ईरान, शारजाह आदि खाड़ी देशों में इस्कॉन ग्रुप लगातार बढ़ रहे हैं। सर, मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं, अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बायकॉट करो भारत का, बायकॉट करो इंडिया का। चले बहरल, ये हुकूमत को इस अपने हुकूमत की सतह पर इस पे बहरल आवाज उठानी चाहिए कि किसी के मजहब को जो है इस तरह जुल्म के साथ नहीं जमाना। हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर मुसलमान बना ना, आप क्या अभी तो अभी भी चीमा, चट्टा, चौधरी यही तो सरने मिलते हैं, और क्या सरने मिलते हैं। लेकिन जो हमारी बहुत सी तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें, वो क्यों नहीं बात करती? इंडिया, कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, इसके आगे हमें मुसलमान नजर ही नहीं आते। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त काफी ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को छोड़कर एक्स मुस्लिम मुहिम को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको एक्स मुस्लिम का नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको कि एक्स मुस्लिम वे लोग होते हैं जो अपने धर्म को छोड़ देते हैं और उसके बाद दूसरे लोगों को, यानी कि जो दूसरे मुसलमान लोग होते हैं उनको भी प्रेरित करते हैं कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए क्योंकि आपका धर्म सही नहीं है। दोस्तों अब एक्स मुस्लिम मुहिम इतनी बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तान के मौलानाओं तक को चिंता होने लग पड़ी है। वे कह रहे हैं कि हमारे काफी ज्यादा मुस्लिम लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं या फिर किसी धर्म को अपना ही नहीं रहे हैं। दोस्तों वहीं पे हमारे दूसरी तरफ सनातन धर्म काफी तेजी से इन वेस्टर्न कंट्रीज और यहाँ पे तक कि सऊदी अरब में भी बढ़ता दिख रहा है। दोस्तों हमारे जो इस्कॉन एक संस्था है जो कृष्ण भक्ति को फैलाती है वो अब सऊदी अरब में भी फैल चुकी है और वहां पे सऊदी अरब के लोग अब कृष्ण जी का भजन कीर्तन करते हुए हमें दिखते हैं, जिससे कि पाकिस्तानी को काफी ज्यादा मिर्ची लगती है। तो दोस्तों आज हम इसी पर ही पाकिस्तानी के लोगों की कुछ रिएक्शन देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सर, मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं, अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बायकॉट करो भारत का, बायकॉट करो इंडिया का। चले बहरल, ये हुकूमत को इस अपने हुकूमत की सतह पर इस पे बहरल आवाज उठानी चाहिए कि किसी के मजहब को जो है इस तरह जुल्म के साथ नहीं जमाना चाहिए। नहीं, पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं कि यही वीडियो अगर भारत से आई होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? देखिए, भारत हो या कोई भी मुल्क हो, इवन हमारे जो पाकिस्तान है उसमें भी जाहिर है कि हमारे जो मुख्तलिफ फिरका वराना लड़ाइयां यहाँ भी हमारी रहती हैं। भारत को यह प्रिंसिपल ये है कि हर बंदे को जो उसका कीता है, उसका मजहब है। हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर मुसलमान बना ना, आप क्या अभी तो अभी भी चीमा, चट्टा, चौधरी यही तो सरने मिलते हैं, और क्या सरने मिलते हैं। कुछ लोग मुगल लगा रहे हैं, बात अलग है। वो कास्ट कह लें या जो कर लें, वो सरनेम उनका वही है ना, कास्ट सिस्टम। जैसे ही आपने कहा आपने इस्लाम को तो फिर वो कर दिया ना, टाटा गुड बाय, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो स्पेसिफिक फिनोमिना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो सिर्फ इंडिया में मिलता है, ये वैदिक सिस्टम से होता है। अब आप ये देखें कि आपके जो जो बड़े लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कुरान मजीद एक बहुत अच्छी किताब है, मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपकी सारी जो सिंधु नदी है, सप्त नदियां जो है, रावी, सिंधु, चेनाब, इनका वर्णन आपको वेदों में मिलता है, वेदों में इनके बारे में बताया गया है। तो आपकी हिस्ट्री को जो किताब एक्सप्लेन कर रही है आप उसको कह रहे हो ये गलत किताब है। आप कुरान की किताब पढ़े, कुरान में जो अल्लाह ताला है वो अरब के नदियों के बारे में बताया उन्होंने, सेक्ट बन जाएंगे इंडिया में, रिलीजन इंडिया में न था न होगा, इंडिया में धार्मिक ट्रेडिशन चलता है, इंडिया कल्चरल कॉन्सेप्ट है, इंडियन अपने आप को लोग किसी भगवान की वजह से नहीं कहते, इंडियन अपने आप को कल्चर की वजह से इंडियन कहते। लेकिन जो हमारी बहुत सी तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें, वो क्यों नहीं बात करती? इंडिया, कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, इसके आगे हमें मुसलमान नजर ही नहीं आते। जो जितने भी कंट्रीज हैं OIC के मेंबर्स हैं उनके साथ हम तो, हमारी जो बेसिक है वो यही है कि भाई पीस, पीस है हमारी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की बेस ही पाकिस्तान की पीस है। और बात की जाए हमारे पे टेररिज्म का वो एक लगाई जाती है, स्टैंप लगाई जाती है, और आपने बोला कि हम सबके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है उसके साथ भी रिलेशन नहीं बेहतर, ईरान इस्लामिक कंट्री है उसके साथ भी रिलेशन नहीं बेहतर, बांग्लादेश, इस रीजन की बात कर रहा हूँ एशिया की, आप तो नॉलेज रखते होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या वजह है कि हमारा जो उनका लोगो है, हमारा
कौन सा, हम कहते हैं कि हमारी स्लोगन ये है कि भाई पीस और पीस हम खुद नहीं प्रमोट। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जो काफी कमाल की थी। और भाई जो एक भाई ने कहा ना कि तुम जो कन्वर्टेड मुस्लिम हो, यानी कि तुम हिंदुओं से मुस्लिम बने हुए हो, और उसके एग्जाम्पल भी भाई ने एकदम सही दिया कि तुम्हारे वहां पे यानी कि मुस्लिम धर्म में कास्ट सिस्टम जो है, तुम बोलते हो नहीं तो फिर कास्ट सिस्टम है नहीं, तो वहां पे चौधरी जैसी कास्ट कहां से आ गई, और वो भी हिंदुओं वाली। और दोस्तों उनका चेहरा था उतर भी गया था। और वैसे बात करें तो वैसे इस्लाम धर्म जो है वो इतना पुराना नहीं है जितना हमारा सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म का तो न आदि है न अंत, आज तक किसी को पता ही नहीं है कि सनातन धर्म कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म होगा, तभी तो इसको सनातन, जिसका अंत ना हो उसे सनातन कहते हैं। और मुस्लिम धर्म तो अभी 1400-1500 साल पहले ही आया हुआ है, तो उससे पहले तो सभी जो है, यहाँ तक कि सऊदी अरब के लोग भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, इसका प्रमाण है, क्योंकि वहाँ पे मंदिर मिलते हैं। और वहाँ पे जैसे मक्का के करीब भी काफ़ी ज़्यादा बुत जिसको हम बोलते हैं, या जो मुस्लिम लोग बोलते हैं बुत, वो हमारी मूर्तियाँ वहाँ पर पाई गई थी। और एक 8000 साल पुराना मंदिर भी सऊदी अरब में पाया गया था, इसका मतलब ये सभी पहले हिंदू ही हुआ करते थे, लेकिन जब से इस्लाम धर्म आया तो वे कन्वर्ट होते गए, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के लोग, हिंदुस्तान के लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, और जय हिंद कमेंट बॉक्स में तो जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय।